morning, students. Bete, last topic of the chapter, social responsibilities of business enterprise. And that last topic is business and environmental protection. Now, as we know, pollution is playing havoc with our environment, with our health. Yes. And generally, a business or industrial activity is considered to be the major cause responsible for pollution, isn't it? If you ask yourself, or I am asking you one question, which is the major factor contributing towards environmental pollution? What do you think it is? सबसे ज्यादा बेटे कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर आज जो हमारी इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, ठीक है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है. मेजर फैक्टर कौन सा लग रहा है आपको? इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है. सो दैट्स व्हाई एंड नाउ, पहले तो हम सोते रहे क्योंकि हमें डेवलपमेंट करनी थी. डेवलपमेंट की होड़ में जब हम एक डायरेक्शन में चलते रहते हैं, ठीक है, हमें सिर्फ अपनी डेस्टिनेशन दिखती है, तो रास्ते में जो भी हम प्रॉब्लम्स दूसरों के लिए क्रिएट करते जा रहे हैं, वो हमें, उनको हम ओवरलुक करते जाते हैं, इग्नोर करते जाते हैं. बट देन केम अ पॉइंट इन एवरी कंट्रीज लाइफ व्हेन दे रियलाइज्ड कि वी आर पेइंग अ वेरी हैवी कॉस्ट फॉर द डेवलपमेंट. सब कंट्रीज ने डेवलपमेंट की. डेवलपमेंट का बेटे फेज होता है. डेवलपमेंट कैसे करते हैं? प्राइमरी से सेकेंडरी की डेवलपमेंट में जाते हैं, सेकेंडरी से टर्शरी की डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं. तो प्राइमरी से जब हम सेकेंडरी की तरफ गए, यानी इंडस्ट्रीज खुली, उससे पोल्यूशन क्रिएट हुई, उससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए, फिर हमारी नींद खुली, दैट वी आर पेइंग अ हैवी कॉस्ट फॉर दिस इन्वेस्टमेंट, फॉर दिस development. Secondly, this development which is taking place today is not a sustainable development. That is, it will not sustain for a long period of time. In the days to come, the development will come to an end. Full stop aa jayega. Hum development nahi kar payenge. Theek hai? So इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इशू आया नया. इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो. इन्वायरमेंट पल्यूट हो गया, पहले तो सोते रहे, जब देखा कि इतना ज्यादा पल्यूट हो गया है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, कैंसर जैसी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, और भी बहुत ज्यादा अनअवॉइडेबल इश्यूज आ गए, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात. So protection of environment, which is a serious issue which confront business managers, decision makers. ठीक है, आज environment को protect करना एक सबसे major issue है जो हमारे business managers के आगे है, जो हमारे decision makers के आगे है. Environment, किसको बोलते हैं हम environment? What is environment? Our surroundings, which are made up of biotic and abiotic elements. So the sum total of biotic and abiotic elements surrounding us, natural resources like land, animals, plants, man-made resources, houses, roads, buildings, in sabka sum total इन्वायरमेंट कहलाता है. ठीक है, सो रिसोर्सेज जो है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अस रिसोर्सेज. इन्वायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. वन, इट प्रोवाइड्स अस विद रिसोर्सेज. बेटे एवरीथिंग यू आर कंज्यूमिंग, वेदर यू आर ईटिंग और यू आर कंजम्पशन, का मतलब ये नहीं होता है खाना, कंजम्पशन का मतलब क्या है? यूज करना. So any commodity which you are consuming today, it is made up of natural resources. ठीक है, ये resources कहाँ से आए हैं? Environment ने दिए हैं.
इन्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेस देता है जिससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर पाते हैं, यूजफुल गुड्स बना सकते हैं जो कि हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं। हम इन एनवायरनमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कौन से दो? एनीवन? हाउ डू वी क्लासिफाई रिसोर्सेस? आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। नेचुरली है, सारे नेचुरल रिसोर्सेस को क्लासिफाई। यस, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं? विच कैन बी रिप्लेनिश्ड बैक इनटू द नेचर। आज आपने यूज किया, वो बार बार एनवायरनमेंट में वापस आते जाएंगे। ये होते रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो ये एग्जॉस्ट नहीं होते बेटे, ठीक है? इनको आप यूज करो तो वो दोबारा नेचर में आ जाते हैं, तो अनएग्जॉस्टेबल है ये। तो उनको यूज करते हुए हम बेधड़क यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज आर देयर। बट देयर आर सर्टेन नॉन रिन्यूएबल इश्यूज व्हिच डू नॉट कम बैक इनटू द नेचर, और दे कम बैक आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स। मतलब उनको डेवलप होने में मिलियंस ऑफ इयर्स लगते हैं, ठीक है? सो बेटे, अगर आप उनको ऑप्टिमली यूज नहीं करोगे, ठीक है, तो दिस विल लीड, और ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में वो रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप उससे गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है? सो क्योंकि एनवायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, और क्योंकि बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के थ्रू इन रिसोर्सेज की ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके यूज के ऊपर, सो बिजनेसमैन आर ओवर एक्सप्लॉयटिंग दीज रिसोर्सेज। सो देयर विल कम अ टाइम व्हेन दीज रिसोर्सेज विल नॉट बी अवेलेबल टू अस। सेकेंड प्रॉब्लम जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हमें फेस करनी पड़ रही है वो है पॉल्यूशन। क्या है? पॉल्यूशन। व्हाट इज पॉल्यूशन? क्या होता है पॉल्यूशन? हम कहते हैं इतनी पॉल्यूशन है, क्या है पॉल्यूशन? पॉल्यूशन इज इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। जब हार्मफुल सब्सटेंसेस इंजेक्ट किए जाते हैं एयर में, वाटर में, लैंड में, दिस इज पॉल्यूशन। एनी ऑफ यू रिमेम्बर जब लॉकडाउन इनिशियली 2020 में लगा था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी केम टू एन एंड, तब दिल्ली के लोग दिल्ली की पिक्चर्स, स्काई की पिक्चर्स दे वुड सेंड, एंड द स्काई वाज वेरी मच क्लियर, ठीक है? ऐसा क्लियर स्काई उन्होंने सदियों बाद देखा था। स्काई क्लियर क्यों नहीं था इससे पहले? पॉल्यूशन थी, ठीक है? हार्मफुल सब्सटेंसेस आप एयर में छोड़ रहे हो तो उसकी विजिबिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है? दिस हैपेंड। सो व्हाट एल्स प्रूफ डू वी नीड दैट यस इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन, ठीक है? इवन देयर वाज अ न्यूज के वो पहाड़ दिखने लग गए, दैट वाज नॉट अ र्यूमर, इट वाज अ फैक्ट कि विजिबिलिटी इतनी प्योर हो गई थी कि हमें विजिबिलिटी इंप्रूव हुई ना, आपको पहाड़ दिख रहे हैं, थोड़ा पहाड़ उगे हैं, पहाड़ दिखने शुरू हो गए जो कि पहले क्लाउडेड थे, ठीक है? पोल्यूशन के क्लाउड ने उनको कवर किया हुआ था। सो पोल्यूशन विच इंप्लाइज इंजेक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एयर, वाटर, लैंड, ठीक है? अब पोल्यूशन बेटे, इट चेंजेस द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड एंड वाटर। फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस। फिजिकल मतलब उनकी फॉर्म में एक तरह से चेंज आ जाता है। केमिकल, केमिकल प्रॉपर्टीज, वाटर का फॉर्मूला H2O, आज आप पानी में देखोगे तो H
टू एलिमेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, वन एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन, इसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स पाए जाएंगे वो पोल्यूशन के करके, ठीक है। इसी तरह बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी चेंज आया है। सो पोल्यूशन, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज लाती है, किसके? एयर के, वाटर के और लैंड के, ठीक है। इट हार्म्स ह्यूमन लाइफ एंड लाइफ ऑफ अदर स्पीशीज। अभी भी हम पोल्यूशन को इतनी अच्छे से नहीं समझ पाए, क्यों? क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ अपने साथ है। हम कहते हैं इतना धुआं है, पानी इतना खराब है, ठीक है, हमें बीमारियां लग रही हैं। बेटे हम तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम पानी पोल्यूटेड नहीं पीना चाहते तो हम अपने घर में प्योरीफायर लगवा लेते, है ना। एयर प्योरीफायर का भी कंसेप्ट आ गया, हमारे लिए तो इन्वेंशन होती जा रही है। आप घर में एयर प्योरीफायर लगवा लो, आपकी जो हवा है वो साफ आपको मिलेगी, आपको वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, ठीक है। लेकिन मतलब टू सम एक्सटेंट ह्यूमन बीइंग्स कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, बट हैव यू एवर कंसिडर अबाउट अदर स्पीशीज, एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ, हाउ कैन दे बी सेव? हम अपना सारा पूरा जो है फाइनली वो कहां पे जाता है हमारा गार्बेज? इनटू सीज एंड ओशंस, यस। सम आर इन द लैंडफिल्स, धरती के नीचे दबा देते हैं और काफी ओशंस और सीज में चला जाता है। तो वो गार्बेज जो प्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हजारों सालों तक जो डिग्रेड नहीं होना, उसको आप कहां पे फेंक रहे हो? ओशंस में, ठीक है। तो वहां पे एक्वेटिक लाइफ, फिश, अगर आप फिश आपका ये प्लास्टिक कंज्यूम कर लेगी इट विल डाई इमीडिएटली, ठीक है। सो दैट डे आई वाज टॉकिंग अबाउट बिजनेस प्लान आल्सो। तो आप देखो कितने लोगों ने स्टार्टअप्स खोले हुए हैं एंड दे थिंक अ लॉट अबाउट द एनवायरनमेंट। जितने भी स्टार्टअप्स है ना वो काफी एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है। तो पीपल व्हाट डू दे कलेक्ट गार्बेज, जो आप लोग प्लास्टिक बैग्स फेंक देते हो, वी डोंट इवन यू नो इमेजिन, हम सिर्फ अपने आप, हमें ये भी नहीं पता है हम कितना प्लास्टिक कंज्यूम कर रहे हैं। मिल्क पैकेट्स आते हैं हमारे घर में, दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक। ग्रोसरी आती है, ऑयल, पल्सेस, राइस, वो किसमें आते हैं? पैक्ड इन प्लास्टिक, ठीक है। ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू गिव यू वन एग्जांपल, और यू शुड टेल योर पेरेंट्स एट होम, क्योंकि हम ऐसी चीजें कभी खुद सोचते नहीं है। इवन आई डिडंट थिंक इट ऑन माय ओन। मैंने एक स्टार्टअप किसी लेडी ने सेटअप किया हुआ है कि वो प्लास्टिक कलेक्ट करती है, ठीक है। या वो उन्होंने अपना एड्रेस वेबसाइट पे डाला हुआ है कि आप लोगों के पास जब ये पल्सेस के पैकेट्स, मिल्क के पैकेट्स इतने इकट्ठे हो जाएंगे आप हमें कुरियर करा दीजिए। तो वो क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, प्लास्टिक को पहले वॉश करवाते हैं, उसको ड्राई करवाते हैं, उसको कट करते हैं और उसके उसको वीव भी करते हैं या उसकी ब्रिक्स बना लेते हैं। अभी देयर इज वन डिजाइनर हु इज जस्ट गोइंग टू पुट अप हिज शो यूजिंग दिस प्लास्टिक मटेरियल फैब्रिक। ये प्लास्टिक का उन्होंने उसको वीव किया, जैसे हैंडलूम में हम धायान को वीव करते हैं ना, उन्होंने प्लास्टिक को वीव करके ड्रेसेस बनाई है, ठीक है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, जब हम मिल्क के पैकेट्स कट करते हैं, हम ट्रायंगल एक कट करते हैं कॉर्नर से, सो क्या होता है, अगर आप वो आपने कट कर दिया, लेट अस से आपने बाकी का पैकेट संभाल के रख लिया कि हम इस लेडी को कुरियर करा देंगे तो ये इसको यूज करेगी तो इसे नेचर पोल्यूट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वो जो ट्रायंगल हमने काटा दैट गोज इनटू वेस्ट, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो हमेशा घूमता रहेगा एनवायरनमेंट में सालों साल तक, ठीक है। सो शी गेव दिस एडवाइस कि व्हेनेवर यू कट एनी प्लास्टिक पैकेट आप उसको कॉर्नर से कट करिए, लेकिन थोड़ा सा रहने दीजिए, उसके साथ अटैच्ड रहने दीजिए। जब आप अटैच्ड रहने दोगे तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा
बायो मतलब उस यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, उसका कोई भी पार्ट इन्वायरमेंट में नहीं रहेगा, ठीक है। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स विच नेवर इवन अकर टू अस दैट वी आर मेकिंग सो मच, वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन बाय मेकिंग यूज ऑफ सच थिंग्स। बट देन यू कैन से मैम दीज आर अनअवॉइडेबल, यस दीज आर अनअवॉइडेबल, सो हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट अवर बिट by sending these plastics to those people who are going to make use of it, theek hai। so environment aaj sirf individual level pe problem nahi hai, ye global level pe problem hai, koi country specific problem nahi hai, global level pe hai। to isiliye environment ko kaise protect karna hai, hamari iske karke hamari cultural heritage affect ho rahi hai। आपने सुना था कि आगरा में हमारा जो ताजमहल है वो येलोइश होता जा रहा है, रीजन एनवायरनमेंट, एसिडिक रेन, ठीक है बेटे। नलिन इफ यू नो एवरीथिंग बेटे, नो नीड टू अटेंड क्लासेस, दैट्स व्हाई अब गवर्नमेंट ने रेगुलेशन पास कर दिया है कि आगरा के आसपास कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होगी, जितने भी आगरा में इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे उनको बाहर कर दिया है, ठीक है। बट वही बात आती है कि हमारे इतनी हमारी कल्चरल हेरिटेज इतनी है, हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इतने ज्यादा हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पॉल्यूशन, इन द एंड वी कैन से पॉल्यूशन causes risks to environmental quality, human health and damage to natural and man-made resources. So protection of the environment is directly related to the protection of pollution. अगर हम pollution को control कर ले तो हमारा environment protect हो जाएगा या नहीं, ठीक है। अगर हम पॉल्यूशन को रोकते हैं तो हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बच जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट आर द हाउ टू प्रोटेक्ट और कंट्रोल पॉल्यूशन, सो दैट वी शुड बी अवेयर अबाउट द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। सो लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉल्यूशन। बेटे हमारी सोसाइटी के जितने भी सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इवन वी कंज्यूमर्स ऑल जेनरेट वेस्ट, हम सब वेस्ट जेनरेट करते हैं, ठीक है। सो वेस्टेज में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं, सॉरी, वेस्ट कंटेन पॉल्यूटेंट्स which are the materials of chemicals that have been discarded during the process of production or consumption। जो हमारा वेस्ट जेनरेट होता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में या इवन कंजम्पशन करते हुए डिस्कार्ड कर दिए गए। कोई भी आप फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, आप सबके घर में टैप्स हैं, कौन से कलर में होती हैं? सिल्वर, दीज आर मेड ऑफ आयरन, ठीक है। अगर रॉ आयरन की जो आप टैप देखो ना, वो स्टील सिल्वर नहीं होती। हाउ टू गिव इट अ कलर, इनके ऊपर निकल की पॉलिशिंग की जाती है ताकि उनके ऊपर सिल्वर कलर आ जाए, ठीक है। तो जिस फैक्ट्री में ये निकल की पॉलिशिंग होती है उसमें क्या होता है, निकल में डाल दी जाती है या किसी जो भी इनका केमिकल फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेट अस एक टब लगा हुआ है जिसमें निकल मिक्स करके, जिस भी केमिकल के साथ मिक्स करके उन्होंने टैप्स को डिप कर दिया, टैप्स को बाहर निकाल लिया, टैप सिल्वर कलर की हो गई, ठीक है। अब ये जो टब में पानी वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ, इसको क्या करेंगे, फेंक देंगे। उस पानी में निकल की कुछ अमाउंट होगी और भी बाकी हार्मफुल केमिकल्स होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस में
कुछ केमिकल्स जनरेट हुए जिन्होंने वेस्ट का फॉर्म ले लिया, ये वेस्ट हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेगा। यस, कहने का मतलब ये है कोई भी एक्टिविटी ले लो, चाहे इंडस्ट्री ले लो, चाहे एग्रीकल्चर ले लो, चाहे गवर्नमेंट ले लो, चाहे माइनिंग ले लो, स्कूल्स ले लो, ठीक है, कंज्यूमर्स ले लो, हाउस होल्ड ले लो, ये वेस्ट जनरेट करते हैं और इनके वेस्ट में कुछ इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन और कंजम्पशन जनरेट होते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। एग्रीकल्चर में देखो, हम अपनी या फार्मर अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्टिसाइड स्प्रे करता है, करता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स डालता है, ठीक है, इन सबसे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है या नहीं? टॉक्सिक एलिमेंट्स चले गए हवा में, पानी में, चले गए ना सॉइल में, ठीक है। तो चाहे प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, चाहे कंजम्पशन और कर रहे हैं, हम पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं है कि हमारा एनवायरनमेंट इस वेस्ट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये भी हमारे एनवायरनमेंट का एक फंक्शन है। जिस तरह से एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज देता है, उसी तरह से एनवायरनमेंट हमारे वेस्ट को जनरेट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। एनवायरनमेंट हैज द एसिमिलेशन कैपेसिटी, एसिमिलेशन मींस एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, एनवायरनमेंट में हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की भी कैपेसिटी है। देन अगर वो हमारे वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फिर क्यों प्रॉब्लम आ रही है? एनीवन, हमने यहाँ पे एक डस्टबिन रखा हुआ है, लंच ब्रेक पे रिसेस में आप खाना खा के उसमें फेंक दोगे, ठीक है। अब अगर आपको तीन रिसेस मिलने लग गई और आपने तीनों टाइम तीन टिफिन लाने लग गए और इसका तो साइज वही रहेगा, हमने इसको चेंज नहीं किया, लेकिन यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टुवर्ड्स गार्बेज, तो क्या होगा फिर? इससे बाहर आने लग जाएगा गार्बेज। क्यों बाहर आया? बिकॉज द जनरेट विच यू आर क्रिएटिंग, सॉरी, वेस्ट विच यू आर जनरेटिंग इज मच मोर देन द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ दिस बिन। सिमिलरली एनवायरमेंट में एसिमिलेशन कैपेसिटी है, लेकिन जब आप इतने पोल्यूटेंट्स रिलीज कर देते हो कि वो उसकी एसिमिलेशन कैपेसिटी के बियॉन्ड चले जाते हैं, ठीक है, सब प्रॉब्लम आती है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है बेटे? क्वांटिटी वाइज भी देखें और टॉक्सिसिटी वाइज भी देखें। गेटिंग माय पॉइंट? क्वांटिटी मींस मतलब एग्रीकल्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, वेस्ट जनरेट करता है, इंडस्ट्री। टॉक्सिसिटी, पॉइजनस, हार्मफुल सब्सटेंसेस ज्यादा एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री, अगेन इंडस्ट्री। सो बोथ क्वांटिटी वाइज एज वेल एज टॉक्सिसिटी वाइज इंडस्ट्री इज द मेजर जनरेटर ऑफ वेस्ट, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नोन टू बी द मोस्ट क्रिटिकल सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। चाहे बिजनेस, बेटे ये सारी बिजनेस एक्टिविटीज है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन में वेस्ट जनरेट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रीज जब चल रही होती हैं तो कितना धुआं उड़ रहा होता है, यस। सेकेंडली जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आज आप अभी रिसेस होगी, चिप्स के पैकेट्स खाओगे, वो कहाँ जनरेट प्रोड्यूस हुए? गुड़गांव में,
वहां से यहां तक कैसे डिस्ट्रीब्यूट आए, ट्रांसपोर्टेशन, तो उसके करके पोल्यूशन हुई या नहीं हुई? यस बेटे, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हुई, डिस्ट्रीब्यूशन में भी हुई, स्टोरेज में भी हुई. हर एक्टिविटी इंटेल्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ पोल्यूशन. सो विच मीन्स मेनी बिजनेस एंटरप्राइजेस आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन, वॉटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट नॉइस पोल्यूशन. ठीक है, वैसे सबसे मेजर नॉइस पोल्यूशन का सेगमेंट कौन सा है? एनीवन?